उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे, मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड, इंडिया यूएस एस्ट्रोनॉट्स विल विजिट इंटरनेशनल। क्या बात है जी, तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन करते हैं वीडियो पर स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। मैं जानता हूं आप लोगों में काफी क्यूरियोसिटी होगी ये जानने के लिए कि आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, ये क्यों लिखा जा रहा है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करेगा। एक्चुअली व्हाइट हाउस ने ये बात खुद ही कन्फर्म कर दी है कि इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे, इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन भेजेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला है। पीएम मोदी की इसी विजिट में हो सकता है कि ये सिग्नेचर हो जाए। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब तक भारत बहुत दूर था। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हमने यहाँ पर कभी एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, मगर अब यूएसए नासा के निमंत्रण पर भारत भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगा। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो पहला ह्यूमन बीइंग कौन था जो अंतरिक्ष में गया था, मून की बात नहीं कर रहा, जो अंतरिक्ष में गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या फिर व्लादिमीर कमारोव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो देखो मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से एडवांस का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये नाम पे फोकस करो, आर्टेमिस अकॉर्ड्स। अच्छा, ये एक टाइप का एक एग्रीमेंट है ऑलमोस्ट आप कह लीजिए। तो इसका नाम आर्टेमिस क्यों है, आर्टेमिस का मतलब क्या होता है, ये कोई यूएसए की स्टेट है, कोई इनका प्रेसिडेंट हुआ करता था, ये नाम क्यों रखा है समझाता हूँ आपको। देखो ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, आज के समय ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री है, मगर आज से कई हजारों साल पहले यहाँ पर भी लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे और आर्टेमिस भी एक देवी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आर्टेमिस, इनको कहा जाता है द गॉडेस ऑफ नेचर और आर्टेमिस बेटी है ज़ियस की। आपने हो सकता है कि ये नाम कहीं ना कहीं मीडिया में कहीं सुने हो, ज़ियस ये गॉड्स के राजा थे, उसके अलावा अपोलो थे, फिर नेपच्यून थे, एरीज थे, बहुत सारे ये गॉड्स थे। और नासा को ना हमेशा ग्रीक माइथोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, जब भी नासा कोई बड़े मिशन का नाम तय कर रहा होता है इनका ध्यान जाता है ग्रीक माइथोलॉजी पर, कि किसी गॉड के नाम पर फिर से रखते हैं इस मिशन का नाम। अब नासा ने यह किया था 1960s और 70s में, जब इन्होंने अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अपोलो प्रोग्राम के बारे में आप अगर देखो तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ, 1972 में एंड हुआ। इस प्रोग्राम के अंडर नासा का एक ऑब्जेक्टिव था, ह्यूमन बींग्स को मून तक पहुंचाना है, और ये इन्होंने करके भी दिखाया। अपोलो के बहुत सारे मिशंस हुए थे, अपोलो 1 था, 4, 5, 8, उसके अलावा 10, फिर 17 तक अपोलो मिशंस थे, बहुत सारे अपोलो मिशंस हुए, और उन्हीं में से एक सबसे ऐतिहासिक मिशन था अपोलो 11, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार ह्यूमन बींग्स को मून के सरफेस पर भेजा। नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन ये मून पर गए, मून पर चले, हिस्टोरिक था, अमेरिका का झंडा प्लांट किया। तो ये सब किया गया था अपोलो 11 मिशन में, जो ओवरऑल अपोलो प्रोग्राम का पार्ट था। और अपोलो भी जान लो, अपोलो भी ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता थे। तो ये जो दो है ना, अपोलो और आर्टेमिस, ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। तो अब आप कनेक्शन समझ गए होंगे, नासा ने पहले अपोलो मिशन किया, अब उसी के हिसाब से ये फिर से एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि वापस ह्यूमन बींग्स को लेके जाएंगे हम मून में, और इस बार मून में एक परमानेंट हमारा बेस भी होगा, ह्यूमन बींग्स मून पर रहेंगे लंबे समय तक। और ये सब किया जा रहा है आर्टेमिस मिशन के अंडर। और इसलिए अगर मैं आपको आर्टेमिस मिशन की वेबसाइट दिखाऊं, अब इधर यहां पर फोकस करना, जैसे ही मैं वेबसाइट खोलूंगा क्या लिखा आता है, द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। देखा आपने, फिर से खोलता हूं, द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, अपोलो की जुड़वा बहन आर्टेमिस। ब्रांडिंग कमाल की करते हैं ये लोग। मैं ये कहूंगा अमेरिकन से एक बात सीखनी है ना, मार्केटिंग ब्रांडिंग इनसे सीख लो, जो कहानी बनाते हैं कि ओ ये ओरिजिन, हम आगे लेके जा रहे हैं स्टोरी को, क्लासिक, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। और अब यहाँ पे आप पूछोगे आर्टेमिस अकॉर्ड्स का मतलब क्या है, इसमें नासा करना क्या चाहता है। देखो आर्टेमिस अकॉर्ड के अंडर नासा का प्लान ये है कि मून पर ये फिर से ह्यूमन बींग्स भेजेंगे,
मून पर एक प्रॉपर बेस बनाया जाएगा। और इस बार ना ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ मेल भेजे, इस बार कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन काइंड का हर रिप्रेजेंटेटिव जाए वहाँ पर, एक वुमेन हो, एक पर्सन ऑफ कलर हो, मतलब कि कोई अफ्रीकन अमेरिकन को भी लेके जाएंगे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि वाइट अमेरिकन नहीं जाएंगे, वाइट अमेरिकन भी यहाँ पर जाएंगे। बेसिकली ये चाहते हैं कि अब प्रॉपरली मून की जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाए और इसकी पहली नींव रखी जाएगी अर्थमिस प्रोग्राम से। तो अर्थमिस प्रोग्राम का अभी के लिए जो मेन टारगेट है ये है मून बाय 2025। ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर अभी तक तो इनका मेन प्राइमरली गोल ये है कि वापस ह्यूमन बींग्स को लेकर जाएंगे ये मून पर 2025 तक। अब इस बीच ना ये चाहते हैं कि इस बार इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ ये सब किया जाएगा, मगर मैं आपको ये बता दूं इंटरनेशनल कॉपरेशन बस ये सब नाम की होगी। मेन अर्थमिस जो प्रोग्राम है वो अमेरिका लीड कर रहा है, मगर अमेरिका ने ये कहा कि हम फिर भी ना अपने मित्र कंट्रीज़ को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने बना दिए अर्थमिस अकॉर्ड्स। अर्थमिस अकॉर्ड्स पहली बात तो नॉन बाइंडिंग है, ये ऐसा नहीं है कि एक एग्रीमेंट पे आपने साइन कर लिया कि अब आप यूएसए के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपको अर्थमिस अकॉर्ड की सारी बात माननी पड़ेगी। रिमेंबर ये नॉन बाइंडिंग है, तो इंडिया के केस में हम लोग इसको साइन करके वापस पुल आउट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं टूटेगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जी कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, यूएई, जी हाँ ये सब जो देश है, उसके अलावा यूक्रेन, यूरोप के बहुत सारे देश यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यूके है, उसके अलावा स्पेन है, फिर उसके अलावा इजराइल भी है, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अर्थमिस अकॉर्ड को साइन कर चुके हैं। मगर मेन भूमिका देखिए, अगर यूएसए के साथ एक कंट्री की रहने वाली है तो वो होगा इंडिया। और यूएसए को भी पता है कि इंडिया एक बार अर्थमिस अकॉर्ड साइन कर ले तो यूएसए का जो प्लान है कि वापस ह्यूमन बींग्स को ये भेजेंगे मून पर, उसको बड़ा बल मिल जाएगा और एक झटका लगेगा रशिया और चाइना को। ये दोनों देश रशिया चाइना ऑब्वियसली अर्थमिस अकॉर्ड को नहीं मानते। इन दोनों कंट्रीज का कहना ये है कि अर्थमिस अकॉर्ड की आड़ में ना यूएस सिर्फ खुद के लिए मून पर माइनिंग स्टार्ट कर देगा। इनका कहना यह है कि इन सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर यूएसए की कंपनीज पहुंच जाएगी मून पर, और फिर अमेरिकन कंपनीज, सिंस उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी, वो मून पर माइनिंग करनी स्टार्ट कर देंगी। और जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है मून पर हीलियम-3, उसको यूएस अपने पास धरती पर लाकर बड़े स्केल पर ऊर्जा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसलिए देखिए रशिया और चाइना ने अर्थमिस अकॉर्ड्स के विपरीत खुद का अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करी है, उसको ऑफ कोर्स चाइना लीड कर रहा है। रशिया वहां पर एक छोटे भाई की तरह खड़ा हो गया है कि जी ठीक है हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और चाइना को सपोर्ट दिखाने के लिए ना रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी पुल आउट कर लिया था। ये न्यूज आप सबको याद होगी कि रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो दुनिया भर के कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, ये ह्यूमन बींग्स का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। $100 बिलियन से ऊपर का पैसा लग गया था सिर्फ इस ढांचे को बनाकर अंतरिक्ष में पहुंचाने में। तो रशिया ने देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पुल आउट कर लिया था, मगर बाद में रशिया ने कहा कि चलो ठीक है कुछ समय के लिए हम रुक सकते हैं। और अभी के लिए रशिया रुका हुआ है 2028 तक। तब तक देखिए चाइना का जो स्पेस स्टेशन है और ज़रा डेवलप होगा, रशिया के भी कुछ प्लान्स हैं। रशिया अभी के लिए बस टेम्परेरली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुका हुआ है, बहुत ही जल्द ये ऑल टुगेदर एग्जिट कर लेंगे। और उसके बाद ना जो ये एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है उसमें दो खेमे बढ़ जाएंगे, एक तरफ रशिया चाइना और उनके मित्र मुल्क होंगे, उसमें नॉर्थ कोरिया और कुछ और कंट्रीज शामिल हो जाएंगी जैसे बेलारूस हो गया, कुछ और देश। दूसरी साइड देखिए इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग अर्थमिस अकॉर्ड के साथ चलेंगे। और इसके रिस्पांस में देखिए यूएसए ने कहा है कि हम इसरो को और भी बहुत सारे तरीके से हेल्प करेंगे, जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसमें भी हम इंडिया की हेल्प करने को रेडी हैं। उसमें यूएसए ने कहा है कि इंडिया को और ज़रा सपोर्ट देना ये स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया ने मैं कहूँगा साइड्स चूज कर ली है अभी के लिए। बट अगेन मैं आपको रिपीट करके याद दिला दूँ अर्थमिस अकॉर्ड नॉन बाइंडिंग है, कल को हमें अगर मान लीजिए साइड चेंज करनी हुई तो वो हम कर सकते हैं, ये कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। और अभी देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस इंडिया दोनों के
ज्वाइंट एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, मतलब कि मिलकर हो सकता है कि एक एस्ट्रोनॉट यूएसए का, एक इंडिया का, या दो यूएसए के एक इंडिया का, बेसिकली इंडिया यूएस मिलकर एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर साल दो साल में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाते हैं, यूके के जाते हैं, रशिया के, यूएसए के, ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। मगर ये मिशन देखिए बहुत ही ज़रा स्पेशल होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी अंतरिक्ष में जा रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है। और धीरे धीरे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी सामने आएगी जब इंडिया प्रॉपरली साइन कर लेगा इन अकॉर्ड्स को, कि इसरो का रोल क्या होगा, इसरो को क्या एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। डेफिनेटली चाइना इस पर बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करने वाला है, चाइना को लिटरली आप कह सकते हैं काफ़ी जलसी फील होगी इंडिया के इस स्टेप से। बट अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, उस पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। फाइनली वापस जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ह्यूमन बीइंग कौन थे? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूरी गैगरिन। यहाँ पर आप देख पाएंगे नासा की वेबसाइट पे भी लिखा होगा द मैन एंटर स्पेस, यूरी गैगरिन फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो अंतरिक्ष में गए थे और उसके बाद वापस धरती में भी लौटे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अन अकेडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पे है और बहुत सारी जो है ना खुशखबरी इंडिया के लिए निकल के आ रही है वहां से। तो अर्थमिस अकॉर्ड जो है वो ज्वाइन करेंगे, तो इससे साफ जाहिर है भाई इसरो को तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला आने वाले वक्तों में। यूएसए इतना जो है ना वो घाटे का सौदा नहीं करता, उसको पता है कि यूके जैसे कंट्री भी यहाँ से आके ना अपने स्ट्राइक जो है वो लॉन्च करते हैं जी। तो ऑलरेडी जो है इसरो काफ़ी नाम कमा चुकी है और इसके साथ मिलके साफ जर एजुकेटेड लोग हैं भाई। लेकिन ये कि लेट इसमें ज्वाइनिंग हो रही, पहले दुनिया के कितने लोग कंट्रीज जो हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, हत्ता कि सऊदी अरब ने भी ज्वाइन कर रखी है। उस वक्त अमेरिका इंडिया से दूर था। अच्छा, हाँ अमेरिका इंडिया से दूर था इसलिए जो। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना, अमेरिका इंडिया को क्लोज करना चाहता हो तो क्लोज करना चाहता है, कर रहा है भाई, कर लिया है वही कर रहा है। देखो साफ जाहिर है भाई साहब वो करना चाहता है, कंट्री तो पहले ही बहुत ज्यादा उसके अंदर है, उसके जाते भी रहते हैं, एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस उधर बना रखा है। इंडिया को फायदा उन्होंने हर लेकिन ये भाई इससे फायदा तो होगा, लेकिन जो रशिया और चाइना का स्टांस है वो भी तो इन तरफ से देखा जाए तो सही है। अगर वहां से क्या हीलियम के क्या बोल रहे थे, हीलियम थ्री वो अगर उसकी माइनिंग करता है अमेरिका तो साफ जाहिर टेक्नोलॉजी उसके पास है और ज्यादा हिस्सा वही लेकर जाएगा, दूसरों को वो के कुछ नहीं देने वाला, अगर देगा भी तो थोड़ा बहुत हिस्सा दे देगा। लेकिन ये भाई इससे रास्ते भी खुल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजी है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रहती है इंडिया का पहला कुछ बनता यही नहीं है स्पेस में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो स्पेस स्टेशन में तो वही अंतरिक्ष में है। तो भाई ये बात है कि इंडिया मेरे ख्याल में खुद भी बना रहा है एक स्पेस स्टेशन, चाइना भी बना रहा है और इंडिया भी बना रहा है। मेरे ख्याल में जो नेशनल स्पेस स्टेशन है ना वो चाइना का बड़ा है, तो मेरे ख्याल में चाइना तो रूस मिलकर कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश है हमारी भी उधर माइनिंग से वो चीजें लेकर जो ये कंट्री कर रहे हैं।
मैं सोच रहा हूँ भाई साहब कि एक यहाँ पे वो एक आप दोस्त गई है समंदर में, हालांकि वो स्पेस से जाना आसान है, वो डूब गई वापस नहीं आई। इसमें पाकिस्तान के दो मतलब साइंसदान भी थे और टाइटैनिक को ढूंढते ढूंढते वो भी मेरे ख्याल में गए। और ये स्पेस में जाना तो मैं कहता हूँ इसका चांस जो होते हैं वो ऐसे ही समझे कि 50-50 होते हैं। अच्छा, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, बहुत ये मुश्किल होता है काम ऐसे। तो क्योंकि वो जो गए थे ना उनसे पहले साइन लिए गए थे अगर आपकी वहाँ पर मौत हो जाती वैसे उसके जिम्मेदार हम लोगों को नहीं ठहराने। सही बात है, हो सकता है इस मिशन में भी इस तरह करते हैं। साफ जाहिर है ये होता है भाई, मैं कहता हूँ हादसे के चांस 50-50 होते हैं कि बंदे पहले नुकसान बाद में फायदा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा सा थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी खराब। ये तो नहीं कि वो मोटरसाइकिल है उसमें उसका तेल खत्म हो गया बंदा घसीट ले, वो बात तो है। मांग ले उधर से। हाँ, वो बात तो होगी, इतनी सी गलती हुई नहीं तो गलती हुई तो भाई गया बंदा, ना कोई सुनने वाला ना कोई हेल्प करने वाला। लेकिन जी अभी वो पहले मिशन हो चुके हैं आते जाते, 1979 से लेकर देख लो कितने लोग आते जाते रहे हैं इसी मिशन के तहत, अपोलो मिशन जो उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ ना एक बंदा बार बार करे होती तो है बेहतरी, लेकिन हादसे के चांस फिर भी रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर ये माइनिंग उधर होती तो मैं सोच रहा हूँ भाई साहब इतनी ज्यादा अगर माइनिंग करते हैं तो इतना बड़े लेवल पर मटेरियल लाना भी तो एक चुनौती वाला काम है, क्योंकि जब ऊपर से चीज नीचे आएगी तो साफ जाहिर इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा जब धरती पे आएगी तो हो जाएगी। वैसे ही मैं कहना लाना ही बड़ा मुश्किल होगा चीजें, लेकिन ले तो आएंगे जिस तरह ये नीचे से ऊपर चले जाते हैं। जब पर मून के करीब होते तो उसकी कशिश से शक्ल उसको खींच लेते हैं उधर से, फिर नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब जमीन की कशिश से शक्ल ऐसा ऐसा बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली जमीन पर सेफ लैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लैंड करवाना भाई साहब वो टनों में होगा उसके, उसमें लेकिन वो भी चुनौती वाला काम है भाई मेरे हिसाब से, वो तो दिख रहा है। लेकिन ये इधर से जो माइनिंग कर करके अमेरिका थक गया, अब ये मतलब ये है कि भाई चांद को भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ से भी ऊर्जा और नहीं तो वो इंसानियत के खिलाफ कुछ तो इंसानियत को फायदा ही मिलेगा। जब इधर से ये चीजें खत्म, उनकी तो कोशिश है कि हम इंसानों को वहाँ आबाद करें, उनकी कॉलोनियां बनाएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, एलन मस्क जो है वो यही चाहता है। तो फिर हम वहाँ पर बड़े बड़े जो है वो शीशे लगाएंगे, लेकिन एक सियारे पे मेरे ख्याल में कौन सा सियारा मरीख तो उसमें जाके बड़े बड़े शीशे लगा के उधर, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है तो उधर जो शीशे लगाएंगे सूरज की रोशनी उधर जो है वो पड़ेगी, वो बर्फ पिघलेगी, ऑक्सीजन वहां पर हो जाएगा, जिंदगी की असरात हो जाएंगे। तो एलन मस्क जो देखा जाए तो भाई साहब उसकी मैं कहता हूँ सोच बहुत आगे, हालांकि दुनिया में और भी अमीर बंदे हैं, लेकिन एक होता है कि भाई एक अजीबोगरीब मिशन कुछ, कुछ लोग इंसानियत की भलाई के लिए सोचते हैं, जुनून भी है, कुछ लोग इंसानियत की तबाही के लिए सोचते हैं। फायदा दोनों अपने ही देखते हैं, लेकिन सोच में फर्क होता है। लेकिन ये भी तो है कि एक रेवोल्यूशनरी सोच तो है ना, अनुभवी तो कह रहा हूँ ना। तो अच्छा है भाई साहब, इंडिया जो है ना इससे पता तो यही चल रहा है कि भाई रशिया और चाइना से दूर जा रहा है, आस्ता आस्ता अमेरिका जो है ना वो चुंगल में फंसा ही रहा है। लेकिन ये है कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से जितने पहले से कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं उनसे तो एक दो के बाद ही तीसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी इंडिया की है। हाँ, फंसा कैसे रहा है फिर बताओ। अभी इनकी अपनी भाई साहब चाइना और रूस की तो भाई साहब जलती है ना इससे, ये भी तो देखना है। नहीं नहीं नहीं, जिसको जहाँ से वहाँ से लेगा। इंडिया का भाई साहब इसमें फायदा भी है जी, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फायदा। और इंडिया को ये है भाई जब चाहे मर्दी हाँ छोड़ दे, चली तो चली नहीं तो छोड़ दे भाई बीच में। बिल्कुल, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वो जो आइडिया मैं लगा रहा था वो भी जरूर बताइएगा कि भाई साहब इतना ज्यादा हैवी वेट को उतारने में कितनी मुश्किल होगी, उसके लिए भी बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत खर्चा होगा। तो ठीक है भाई, और ये भी बताइएगा कि जो इंडिया जो स्पेस स्टेशन बना रहा है या फिर वो अभी मिशन पेंडिंग में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।